यस वी आर स्टार्टिंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट मैथ्स पेपर 1, और स्पेशली यहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे जो भी बेसिक मैथ होती है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी को पता है जो सीटेट पेपर 1 होता है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं आता, लेवल उसका बहुत ही मॉडरेट होता है। तो उसी के हिसाब से हम चीज़ों को लेकर यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ ये वीडियो न केवल सीटेट के लिए बल्कि यूपी टेट, सुपर टेट या फिर और भी जो भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे मैथ के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इस वीडियो से आप देखकर उसको आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, आज हम बेसिक चीज़ें सीखेंगे। तो आइए वीडियो को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही सरल सा टॉपिक है, बट अगर बात करी जाए तो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है और काफ़ी ये लेंथी है, लेकिन हमें उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है चीज़ों को। इसलिए आज हम सिर्फ बेसिक चीज़ें ही जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, वही जान लेते हैं। तो जैसा कि आपको भी पता है कि अंकगणित में संख्याओं को दर्शाने के लिए 10 संकेत होते हैं, और वो संकेत कौन कौन से हैं तो आपको पता है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, और ये 9 के बाद ये 0 सभी में ऐड होते जाते हैं तो संख्याएं हमारी बनती जाती हैं। तो इतना आपको पता ही होगा, ये 10 संकेतों को अंक कहते हैं। 10 संकेतों द्वारा प्रयुक्त यह पद्धति दशमिक या डेसिमल पद्धति कहलाती है। तो ये तो बेसिक इसके बारे में है, आप सभी को पता है अंकगणित में अंकों को लेकर ही हम अंकगणित की शाखा को पढ़ते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी अंकगणित में सिंबल होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम एज अ डिजिट में कैसे दर्शाते हैं, वो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं संख्याओं के प्रमुख प्रकार, यानी कि कितने टाइप के संख्या पाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ये क्या होती हैं नेचुरल नंबर्स, इट मीन्स प्राकृतिक संख्याएं। तो आइए इसको डिफाइन करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे बताया गया है कि एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक से लेकर जितनी भी संख्याएं, यानी आप कह सकते हैं कि जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और आगे तक चली जाती है इत्यादि, यानी कि उसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी तक वो चली जाती है, ऐसी संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान ये रखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएँ हमेशा 1 से ही या फिर 1 से ही स्टार्ट होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्या, ये क्या होता है? तो इसको होल नंबर बोलते हैं, आपको भी पता होगा। ये बताया जा रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने से जो संख्याएं प्राप्त होती है उन्हें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, जो अभी हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी है, नेचुरल नंबर पढ़ा है, उसी में 0 को ऐड कर देने से पूर्ण संख्याएं या फिर होल नंबर तैयार हो जाती हैं। यानी कि हमने 1 से लेकर इत्यादि तक अभी हमने पिछले ही नंबर में देखा है, इसमें हमें 0 ऐड करना होता है, जैसे ही हम 0 ऐड करते हैं वो बन जाती है हमारी पूर्ण संख्याएँ या फिर होल नंबर। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, यहाँ पे बात हो रही है पूर्णांक संख्या, ये क्या होती है, इसे हम इंटीजर्स नंबर भी बोलते हैं। तो कहा जा रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य या ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो उन्हें पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। अब इतना तो आपको पता ही होगा, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा बेसिक। जैसे आपको मैंने बता दिया कि कोई भी नंबर से, जैसे मैंने कहा 1 2 3, तो यहाँ पे अगर प्लस माइनस नहीं भी लिखा है तो हम समझते हैं कि ये प्लस में ही है, इट मीन्स यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, यानी यह जो भी डिजिट है वो प्लस में ही है। तो यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि जहाँ भी जिस भी कंडीशन में पूर्ण संख्या अगर हम बात कर रहे हों तो वहाँ पे क्या है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ऋणात्मक संख्याएं हैं और जो शून्य हैं इनको अगर इंक्लूड कर देते हैं तो हमारी तैयार हो जाती है पूर्ण संख्या, जिसे आप इंटीजर्स नंबर भी बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं -5 है, -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव संख्या यहाँ से होना शुरू हो जाती हैं। तो आप कह सकते हैं कि नेगेटिव
जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, और साथ ही साथ जो जीरो होता है, और जीरो के बाद जो पॉजिटिव नंबर होते हैं, सभी को एक साथ हम इंटीजर्स नंबर या पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। क्या ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है? यदि क्लियर हो तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर अपने कमेंट को राइट करते रहिएगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट है हमारी संख्याएं, जो जिसे बोला जाता है सम संख्याएं, जिसे इवन नंबर बोलते हैं। तो ये क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए और कुछ भी शेष ना बचे। देखो यहाँ पे सम संख्याओं का सिंपल सा मतलब है, ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए और जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर मतलब जो आपका शेषफल होता है, वो जीरो बचे, यानी कि कुछ भी ना हो, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं या फिर इवन नंबर्स कहलाती हैं। तो यहाँ पे आप एग्जांपल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर 10 को डिवाइड बाई अगर 2 किया जाए तो 2, 5 जा 10 होता है, यहाँ पे रिमाइंडर हमारा जीरो बचता है। तो ऐसी संख्याएं जो पूर्णतः 2 से क्या होती हैं, डिविजिबल हो, विभाजित हो जाती हो, रिमाइंडर कुछ भी ना बचता हो, ऐसी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पे चलिए बात करते हैं विषम संख्या की, जिसे आप ओड नंबर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त न हो, शेष एक बचे, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे सम का बिल्कुल अपोजिट होता है, विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो से भाग देने पर वो पूर्णतः विभक्त ना हो, कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो, साथ ही साथ वहाँ शेषफल एक बचता ही है, ऐसी संख्याएं कहलाती हैं हमारी विषम संख्याएं या फिर ओड नंबर, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और 17। तो अगर बात करें, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 15, अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ 2 से, तो आपको पता है 2, 7 जा 14 होता है, सही है। तो 2, 7 जा 14 हो गया, यहाँ पे 5 इसको आप माइनस कर लीजिए, यहाँ पे आपका आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर हमारा कितना बचा है, 1। तो यहाँ पे वही चीज़ें आपको बताने की कोशिश करी जा रही है विषम संख्याओं में, कि यह पूर्णतः 2 से विभाजित नहीं होता, साथ ही साथ शेषफल 1 भी बचता है। तो ऐसी जहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिले, हम कहेंगे विषम संख्याएँ वो हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रूढ़ या अभाज्य संख्याएं। तो ये क्या होता है, रूढ़ या अभाज्य संख्या, जिसे आप प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। तो एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हों। देखिए क्या कह रहा है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं से विभाजित हों, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। देखिए इसमें कहने की जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि ये बड़ी से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या होती हैं जो एक और स्वयं से, यानी कि कंडीशन ये है, ये 1 और सेल्फ से ही ये डिविजिबल होती हैं और कोई तीसरा नंबर नहीं आता। अगर ऐसी कंडीशन किसी भी नंबर के साथ हो रही है तो आपको वहाँ पे बताना है ये रूढ़ या फिर प्राइम या फिर आप कह सकते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे आपको एग्जांपल में देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जैसे बताया जा रहा है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो ये सब क्या है, ये हमारी रूढ़ या अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं। जैसे अगर बात करें 2, तो 2 को सिर्फ 2 ही काट सकता है और ये 1 से आप कह सकते हैं विभाजित होता है। उसी प्रकार अगर 7 को ले लें तो 7 सिर्फ 7 से ही डिविजिबल होगा, और बात करें 7 के साथ जो हमारा 1 होता है वो भी इसको डिविजिबल करेगा, और कोई तीसरा नंबर नहीं है जो इसको डिविजिबल करता हो। तो ऐसी कहीं भी कोई भी कंडीशन निर्मित हो रही हो जो इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक अप्लाई हो रही हो, आपको वहाँ पे बताने हैं वो प्राइम नंबर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भाज्य या यौगिक, या इसको संयुक्त या समष्टि संख्याएं भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो याद रखेंगे इसमें क्या होता है, तो ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हों, उन्हें भाज्य या यौगिक संयुक्त या समष्टि संख्याएं कहते हैं या कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो देखो ये अभी हमने जो पढ़ा ये उसका जस्ट अपोजिट होता है, कंपोजिट नंबर कहा जा रहा है कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त, यानी वहां पे कंडीशन थी कि सिर्फ 2 एक या फिर स्वयं से कटे, यहां पे कहा जा रहा है कि स्वयं एक या फिर दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो, ऐसी संख्याएं भाज्य यौगिक संयुक्त या समष्टि संख्याएं कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं 4 6 8
9, 10, 12, 14, 15, 16, 18. इसे अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे 12 से भी कटेगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा और साथ ही साथ 6 से भी कट जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे आप कह सकते हैं नंबर्स होते हैं जो 12 को काट सकते हैं। तो अगर इस प्रकार की कंडीशन कहीं भी हो रही है तो आपको बताने हैं वो नंबर कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका सह अभाज्य संख्याएं जिसे को प्राइम नंबर्स भी कहा जाता है। दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड ना हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। देखो यहाँ पे बात हो रही है कॉमन की, बात करेंगे दो संख्याएं ऐसी भी कोई भी दो संख्याएं आप ले लीजिए जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए, एक ही गुणनखंड इसके अलावा कोई दूसरा ना हो, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक वाली संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये कंडीशन और ये डेफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो 9 और 16 सह अभाज्य संख्याएं हैं क्योंकि इनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बताया जा रहा है को प्राइम नंबर के बारे में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि इकाई संख्या 1 से 9 तक संख्याएं इकाई संख्याएं कहलाती हैं, साथ ही किसी बड़ी संख्या के अंत में दहाई या फिर दाई ओर आने वाला अंक इकाई अंक कहलाता है। जैसे 379 में 9 इकाई अंक है। देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मान लेते हैं कोई एक नया नंबर आप ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया 256। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है या फिर इकाई नंबर क्या है। तो इकाई नंबर इट मीन्स कि इस पूरे ही नंबर्स में जो लास्ट नंबर आता है, इट मीन्स ये जो दाई ओर का नंबर है यही हमारा लास्ट नंबर लास्ट डिजिट कहलाएगा, क्या यूनिट या फिर इकाई अंक। तो यहाँ पे इस नंबर का इकाई अंक या फिर यूनिट डिजिट हो जाती है क्या 6। क्लियर है क्या? चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेक्स्ट बताया गया है, आगे कहा जा रहा है कि क्रमागत संख्या ये क्या होती हैं, कंसेक्यूटिव नंबर क्या होती हैं। तो आइए इनके बारे में आपको बता देता हूँ। क्रमागत संख्याएं जो संख्याएं किसी क्रम या नियम से आएं वे क्रमागत, देखो नाम से समझ में आ रहा है क्रम से यानी सीक्वेंस से आना, यानी कि वे संख्याएं जो किसी क्रम या नियम से आते हैं उन्हें क्रमागत संख्याएं या फिर कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 2 का सीक्वेंस बन रहा है, 2 के बाद यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 के बाद 6 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं 2 यहाँ पे प्लस होके 4 हो रहा है, प्लस 2 होके यहाँ पे 6 हो रहा है और आगे इसी प्रकार 8 हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये 2 के सीक्वेंस में आ रहा है, 2 के क्रमागत में आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि ये कैसी संख्याएं हैं, क्रमागत संख्याएं हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 4, 7, 10, 13। तो बहुत सारे इस प्रकार के रूल बनाए जा सकते हैं, आप ध्यान रखेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स की जो भी प्रॉपर्टी होती है। चलो आगे देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आप देखिए वर्ग संख्याएं ये क्या होती है, इसको स्क्वायर नंबर्स बोलते हैं। वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो उन्हें वर्ग संख्याएं कहते हैं। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि यदि कोई भी संख्या वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो उन्हें वर्ग संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 को ले लीजिए, 9 को ले लीजिए, तो ये पूर्ण वर्ग में प्राप्त होगा या नहीं होगा, तो आपको भी पता है ये पूर्ण वर्ग में पूर्ण संख्या में प्राप्त होगा। जैसे अगर बात करें तो 2 का अगर 2 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पे 4 आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं जो भी वर्गमूल होता है अगर उससे पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है ऐसी संख्याएँ स्क्वायर नंबर्स कहलाती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जो घन संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब नंबर्स वे संख्याएं जिनका घनमूल पूर्ण संख्या, यानी कि यहाँ पे वर्ग की बात हो रही थी, यहाँ पे वर्ग में पूर्ण संख्या प्राप्त हो, यहाँ पे घनमूल से पूर्ण संख्या प्राप्त हो उन्हें घन संख्याएं बोलते हैं। जैसे आपका 8 हो गया, 27 हो गया, 64 हो गया, 125 हो गया और इसके अलावा बहुत सारी संख्याएँ दे रखी होती हैं। जैसे आपका 25 का अगर बात करें
तो यहाँ पे इसका घनमूल अगर बात करें तो क्या बनता है, 25 का बन जाता है 125, ठीक है। इसी प्रकार आप 8 का देख सकते हैं, 2 के साथ बन जाएगा 2 का अगर आप घन करते हैं तो। इसी प्रकार आप 3 का इस घन कर लेते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, क्यूब कर लेते हैं तो आपको मिल जाता है 27। तो यहाँ पे पूर्ण संख्याएँ प्राप्त होनी चाहिए घनमूल के बाद। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स और दिए गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि अंकों के मान, ठीक है, अंकों के मान के आधार पे देख लेते हैं क्या होता है। तो वास्तविक या शुद्ध मान, किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता उसे वास्तविक या शुद्ध मान कहते हैं। देखो यहाँ पे अंकों को दो मान दिए गए हैं, एक वास्तविक होता है, दूसरा हम आने वाले समय पढ़ते हैं। तो यहाँ पे वास्तविक क्या होता है, ऐसी संख्याएं या फिर ऐसा अंक जिसका जो मान होता है कभी नहीं बदलता उसे वास्तविक या शुद्ध मान बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि 238 में 2 का वास्तविक मान 2, 3 का वास्तविक मान 3 और 8 का वास्तविक मान 8 ही है। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनका मतलब आप कह सकते हैं मान बिल्कुल चेंज नहीं होता, जिसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होती, ऐसे नंबर्स या फिर ऐसे जो मान है, ऐसे जो वैल्यू है, उसको हम वास्तविक मान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्थानिक मान। स्थानीय मान क्या होता है, तो किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे स्थानीय मान कहा जाता है। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन से बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कहा जा रहा है कि किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है उसे स्थानीय मान कहा जाता है। जैसे अगर बात करें 238 में 2 सैकड़े के स्थान पे, आपको पता है यूनिट होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, तो यहाँ पे 2 किसके प्लेस पे है, 100 के प्लेस पे है। तो 2 जब 100 के प्लेस पे है, इट मीन्स इसमें 100 यानी कि 2 0 ऐड हो जाएंगे तो ये इसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी क्या, 200। इसी प्रकार अगर 3 की बात करें तो ये टेंस के स्थान पे है, तो यहाँ पे टेंस को करेंगे तो यहाँ पे 10 ऐड हो जाएगा, बन जाएगा ये आपका 30, ठीक है। तो यहाँ पे स्थानीय मान आपको पता है उस पार्टिकुलर अंक का वह मान है जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। सो आई होप कि आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख पाएंगे सन्निकटन या फिर सन्निकट बोलते हैं इसको कई बार, तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि बड़ी या छोटी संख्या देख लेते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या दिए गए अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए उतनी ही बार 9 अंक लिख देते हैं। जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 9 आते हैं, यानी कि 9999 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है कि बड़ी से बड़ी संख्या को हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे छोटी संख्या की बात हो रही थी, जैसे कहा जा रहा है कि 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 के आगे शेष शून्य लगाने से बनती है। तो यहाँ पे निश्चित है छोटी छोटी संख्या में यहाँ पे शून्य लगाने से सबसे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाती है, तो ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछता है अंकों के क्रम के अकॉर्डिंग कौन कौन से नंबर्स होते हैं। तो पहला होता है आरोही क्रम, तो लगातार बढ़ते हुए अंकों को उनका आरोही क्रम कहा जाता है, ठीक है। तो आरोही का मतलब ये होता है बढ़ते जाना, लगातार बढ़ते हुए नंबर को हम आरोही क्रम बोलते हैं। जैसे 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल भी ये घट नहीं रहा, ये बढ़ता ही जा रहा है, इसके आगे भी नंबर बढ़ रहे हैं। इट मीन्स ये जैसा भी क्रम है इसको हम बोलेंगे क्या, आरोही क्रम। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ अवरोही क्या होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अवरोही क्रम ये बिल्कुल आरोही का उल्टा होता है, लगातार घटते अंकों को उनका अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसे आप इसी का एग्जांपल ले लीजिए, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2 इसके अलावा 1 दे रखा है। इट मीन्स ये संख्याएं आप देख रहे हैं कि ये घटती हुई नज़र आ रही हैं। तो ऐसी वो सारी संख्याएं जो घटते हुए क्रम में लिखी जाती हैं उसको हम अवरोही क्रम की संख्याएं बोलते हैं, और जो बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए सिक्वेंस में लिखी जाती हैं उनको आरोही क्रम बोला जाता है। सो ये है आपका आरोही या फिर अवरोही क्रम के बारे में। सो आई थिंक आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा दोस्तों, और यदि वीडियो आप और कंटेंट पसंद आ रहे हो आपको, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, और चैनल
को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर प्रकार की अपडेट आप तक पहुंचते रहे बिना किसी रुकावट के। साथ ही साथ आप अपनी क्वेरीज और आप अपने अपने फीडबैक निश्चित ही कमेंट बॉक्स पे राइट करके हमें बताते रहें कि आप नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पे चाहते हैं और आगे क्या पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए फिर यहीं पर वीडियो को मैं स्टॉप करूँगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।